आज हम बात करेंगे 80-20 प्रिंसिपल की। 80-20 प्रिंसिपल को हम पेरेटो प्रिंसिपल भी बोलते हैं। इसके अकॉर्डिंग जो 80% आउटकम्स होते हैं वो हमें 20% इनपुट से मिलते हैं किसी भी एक गिवन इवेंट के लिए। पेरेटो ने नोटिस किया कि जो 20% पी पोड्स हैं उसके गार्डन में वो रिस्पॉन्सिबल है 80% ऑफ द पीज के लिए। पेरेटो ने एक्सपेंड किया इस प्रिंसिपल को मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये शो करके कि जो 80% ऑफ द वेल्थ है इटली की वो ऑन की जाती है बाय 20% ऑफ द पॉपुलेशन। 80-20 रूल में आप प्रायोरिटाइज करते हो 20% ऑफ द फैक्टर्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं गुड रिजल्ट्स के लिए। हम इसे ऐसे भी देख सकते हैं कि ये बहुत फायदेमंद होगा एक कंपनी के लिए अगर वो फोकस करती है 20% ऑफ द क्लाइंट्स जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं 80% ऑफ द रेवेन्यूज के लिए। कंप्यूटिंग में माइक्रोसॉफ्ट ने नोट किया कि अगर 20% मोस्ट रिपोर्टेड बग्स को सही कर दिया जाए तो 80% रिलेटेड एरर्स एंड क्रैशेस अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे। काफी वीडियो रेंटल शॉप्स ने रिपोर्ट किया कि जो 80% ऑफ द रेवेन्यू है वो आता है 20% ऑफ द वीडियो टेप। इस रूल को हम अपनी डेली लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। सपोज हमारा कोई एग्जाम है तो हमें सेलेक्टेड 20% पढ़ना है जो हमें 80% मार्क्स गेन करा सकते हैं। इससे हमारे मार्क्स भी ज़्यादा आएंगे और हमें ज़्यादा टाइम भी नहीं स्पेंड करना पड़ेगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।